हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ, और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डोलोरेस ने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब लूबी आएगी और मुझे मेरी ज़रूरत का सामान मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएगी। वो हमेशा मेरी मदद करती है। इसके बाद वो पन्ना वहीं ख़त्म हो गया। डोलोरेस अगले पेज पर गई। उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। डोलोरेस आज ही मेरे पास मेरी ज़रूरत का सामान लेकर आई, वो पिंस, और उसने वो मेरे हाथ में दी और उसने कहा कि उसे भी कुछ बहुत मज़ेदार और कुछ नया मिला है जो वो मुझे दिखाना चाहती है, पर वो क्या था उसने मुझे नहीं बताया। खैर, मैं उन पिंस को पाकर बहुत खुश था और अब किसी भी हालत में उस ताले को खोलने के लिए तैयार था। मैंने लूबी को भी इस काम के लिए बुलाया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ हो, पर मैं शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा और वो नहीं आई। असल में मैंने आज दोपहर के लंच के बाद से देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। पर खैर, मुझे तो उस ताले को खोलना ही था, और इसलिए मैं रात के वक्त सबके सो जाने के बाद दबे पांव उस कमरे की तरफ गया। मेरे हाथ में एक कैंडल थी जिसका गर्म मोम बार बार मेरे हाथों पर टपक रहा था, पर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे तक गया। रात का वक्त था। नीचे फायरप्लेस पर आग जल रही थी अभी भी, और बाहर से बारिश होने की आवाज़ आ रही थी। शायद आज रात बर्फ भी गिरे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे की तरफ जा रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर मैंने हिम्मत की और मैं आगे गया। उस दरवाजे को खोला, अंदर गया और उस टेबल के नीचे से होते हुए उस ताले तक पहुंच गया। मैंने देखा वो एक छोटा सा दरवाज़ा था, एक आम दरवाज़े से तकरीबन आधा। शायद इसके पीछे कोई ख़ास चीज़ रही हो, उसे छुपाने के लिए ही ये चीज़ बनाई गई हो। मैंने हमेशा से सुना था ऐसी जगहों पर इस तरह के छुपे हुए कमरे होते हैं या बाहर निकलने के छुपे हुए रास्ते होते हैं, पर आज पहली बार सच में ऐसी जगहों को देखूंगा। आज जबकि मैं इस कमरे के सामने बैठा हुआ हूँ, मैं फिर भी मेरी डायरी लिख रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं एक सीधी लाइन में भी नहीं लिख रहा हूँ, पर फिर भी मुझे ये लिखना बहुत ज़रूरी लगा। पता नहीं इस कमरे के अंदर क्या हो, और अंदर जाने के बाद कहीं मुझे कुछ ख़तरनाक मिल गया तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ था। इसके बाद वो पन्ना वहीं ख़त्म हो गया। तकरीबन एक लाइन छोड़कर एक अगला पैरा शुरू हो रहा था। डोलोरेस ने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं कल रात उस कमरे में गया और वो कमरा सच में बहुत ख़ास था। असल में वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, सच में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर हमारे पुराने ऑर्फनेज में जैसे कमरे थे ये तकरीबन उसके बराबर ही था। पर इस घर के बाकी कमरों के मुकाबले में ये काफ़ी छोटा था, पर मेरे लिए एक सीक्रेट कमरा मुझे मिल जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। पर ये रहस्य इसके बाद ही ख़त्म नहीं हो गया। मुझे उस कमरे में जाके और भी कुछ मिला। यहाँ ज़मीन पर बना हुआ एक गुप्त दरवाज़ा है। मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो बहुत आसानी से खुल गया, पर मुझे डर था कि कहीं किसी को शोर सुनाई ना दे जाए। पर फिर भी मैंने वो दरवाज़ा खोला और वहाँ एक सीढ़ियाँ नज़र आई मुझे। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और नीचे जाने के बाद मुझे सामने की तरफ एक रास्ता नज़र आया और मैं उस रास्ते से आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ने के बाद मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया। यह दरवाज़ा भी उस पिछले दरवाजे की तरह ही छोटा सा था, और इस दरवाज़े तक पहुँचने के लिए कुछ 5 या 10 सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ती। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गया। मैंने वो दरवाज़ा खोला, और जब मैंने उसे खोला तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये दरवाज़ा बाहर खुला, मैं ऑर्फिनेज से बाहर आ गया था।
मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा, और मैंने वो ढूंढ लिया। अब मैं बस ये लूबी को बताना चाहता हूँ। मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ बाहर चलकर अच्छा महसूस करेगी, और हमारे कुछ और दोस्त भी, मैं उन्हें इसमें शामिल कर लूँगा। पर हाँ, वो सीक्रेट कमरा मैं किसी और को नहीं देने वाला, वो मेरा ही होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर से एक नया पैरा शुरू हो रहा था। ये रात का वक्त है, मैं पूरे दिन लूबी का इंतज़ार करता रहा, पर वो कहीं नज़र नहीं आई। सब टीचर्स ने भी इस बात पर गौर किया कि लूबी नज़र नहीं आ रही है, वो पूरे दिन कहीं दिखी ही नहीं। मैंने अपने टीचर्स से पूछने की कोशिश की, उन्होंने मिस्टर और मिसेस मैक्सिमस से पूछने की कोशिश की, पर उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे वो दरवाज़ा मिला, पर अब बहुत दुख हो रहा था। यहाँ आने के बाद से मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझसे अलग होते जा रहे थे, पहले रॉब और अब लूबी। उम्मीद करता हूँ कि वो कल तक वापस आ जाए। पता नहीं यहाँ इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी वो यहाँ से बाहर कैसे जा पाई, और अगर बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ है? इतने बड़े घर में कहीं भटक तो नहीं गई? रात के वक्त मैं फिर वहाँ से बाहर जाऊँगा। उसने पन्ना पलटा और वो अगले पन्ने पर पहुँच गई। उसने पढ़ना शुरू किया। रात में यहाँ से बाहर निकला, तकरीबन 11 बजे। मैं जानता हूँ इस वक्त के आसपास मिस्टर मैक्सिमस भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उनका पीछा करने लगा, और बहुत छुपकर और खामोशी से मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और कुछ कदम आगे गया। जाने के बाद वो एक जंगल की तरफ मुड़ गए। मुझे पता नहीं था इस जगह पर ऐसा कोई जंगल भी है या फिर, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ और कभी बाहर निकला नहीं था, तो मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद वो एक झील के किनारे आकर रुक गए। उस झील के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और गुफाएं और गड्ढे भी थे। मिस्टर मैक्सिमस वहाँ एक पुरानी गुफा के अंदर चले गए। उसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अंदर आग जली हुई हो। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और वहीं पड़े हुए एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उन्हें देखने की कोशिश करने लगा। उनकी आवाज़ सुनी मैंने, वो किसी से बात कर रहे थे। रॉब, ये तुम नहीं हो ना? रॉब, रॉब, वो बोलते जा रहे थे पर बदले में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पर हाँ, मैंने साफ सुना उन्होंने रॉब का नाम लिया। कुछ देर बाद मुझे अंदर से एक जोरदार गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत तेज़ और भयानक गुर्राहट की आवाज़, और उस रोशनी से जो उस गुफा से बाहर आ रही थी एक परछाई नज़र आई। पता नहीं वो किस चीज़ की थी, पर वो इंसानों की तो बिल्कुल नहीं थी। मैं फिर भी उस पत्थर के पीछे छिपा रहा। मिस्टर मैक्सिमस की आवाज़ लगातार आ रही थी, मेरे बेटे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, हम तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। तुम वापस आ गए हो है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस कुछ दिन तक तुम्हें इस बच्चे की शरीर में रखना होगा, तुम्हें बस कुछ दिन के लिए ही उसके नाम का इस्तेमाल करना होगा, फिर तुम्हारे नाम के साथ जी पाओगे, हम सभी इंतज़ाम कर देंगे, ओके? पर कुछ दिन तुम्हें रॉब के नाम के साथ ही जीना होगा। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा रहा। उनकी बोली हुई हर एक बात मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, उन्हें पक्का कोई शक नहीं था कि कोई उनके पीछे रहा होगा, और उस गुफा में उनकी आवाज़ गूंज रही थी, सो मैं उनकी आवाज़ बाहर तक साफ साफ सुन पा रहा था। काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अंदर देखने की कोशिश कर रहा था पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। पर कुछ देर बाद ही मुझे एक भयानक चीख सुनाई पड़ी और एक गुर्राने की आवाज़ भी। वो चीख यकीनन मिस्टर मैक्सिमस की थी, क्योंकि वो सुबह से दिखाई नहीं पड़े, और मैं वो चीख सुनते ही वहाँ से भाग गया। पता नहीं कैसे मैं गिरते पड़ते कैसे भी करके वापस ऑर्फनेज तक पहुँचा और मेरे कमरे में वापस आकर सोने का दिखावा करने लगा, क्योंकि नींद तो मुझे यकीनन नहीं आ रही थी।
पता नहीं इस जगह पर हो क्या रहा है। पहले मेरे दोस्त गायब हो गए, लूबी अब तक वापस नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ चली गई। और यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कल रात जो कुछ भी देखा, वहाँ जाकर उन्होंने रॉब का नाम क्यों लिया, वो किससे बातें कर रहे थे, अगर वहाँ कोई जानवर था तो वो भला उससे बातें क्यों कर रहे थे, और अगर नहीं था तो वो रॉब को वहाँ क्यों ले गए, और उनके साथ हुआ क्या। मैं जो भी कुछ देख रहा था उसे देखकर मैं बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया था। और मुझे यहाँ रहना भी बहुत अजीब लग रहा है। सच बताऊँ तो ये ऑर्फिनेज मुझे कुछ खास नहीं दे रहा है, बस एक छत। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत डर महसूस हो रहा है, मेरे दोस्त गायब हो गए अचानक ही, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए कहीं और, शायद मैं कुछ बेहतर कर सकूँ, कुछ बेहतर बन सकूँ, और अगर नहीं भी कर पाया तो जिंदा तो रहूँगा। डोलोरेस ने ये कहानी पढ़ी तो उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ। जिस शैतान या भूत की बात इस इलाके में फैली हुई है उसका जिक्र इस डायरी में था, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें इस डायरी से जुड़ी हुई थी। डोलोरेस ने अगला पन्ना पलटा पर वो खाली था, ये डायरी उसके आगे खाली थी, बिल्कुल खाली, इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसका रहस्य इस डायरी में था। जिसने भी इसे लिखा वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानता होगा, पर उसे कहाँ ढूंढेंगे। ये सब कुछ तो 12-13 साल पुरानी बात है, ना उसका कोई पता है, ना ठिकाना, और ना ही उसके परिवार का पता है, कैसे ढूंढूं मैं उसे। उसके बाद डोलोरेस अपने अंकल के पास गई, वो भी जाग रहे थे। अंकल आप अभी तक सोए नहीं? जो कुछ भी आज सुबह हुआ उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है, तुम भी तो जाग ही रही हो। हाँ पर मैंने कुछ अलग देखा। क्या? पता नहीं आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, आप मुझे पागल समझेंगे। नहीं तुम मुझे बता सकती हो डोलोरेस, जाहिर सी बात है मैं बातें शेयर करनी चाहिए। मैं जब मेरे कमरे में होती हूँ मुझे एक लड़की नज़र आती है, कई बार देखा है मैंने उसे। वो मेरे कमरे में आती है, बिल्कुल चुपचाप रहती है और कुछ बोलती नहीं है, और फिर एक गलियारे में जाकर गायब हो जाती है। ऊपर की मंजिल पर एक गलियारा है, वहाँ हम अभी तक नहीं गए, वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। ओह तो तुमने उस लड़की को देखा? हाँ मैंने, सच बताऊँ डोलोरेस तो मैंने भी यहाँ पर कुछ अजीब महसूस किया है। तुमने शायद सिर्फ उस लड़की को ही देखा, पर मैंने यहाँ कहीं अलग अलग बच्चों को देखा है, जबकि यहाँ किसी के बच्चे नहीं हैं, कोई अपने साथ अपने फैमिली को नहीं लेकर आया, और वो सिर्फ रातों को नज़र आते हैं। हाँ वो लड़की भी मुझे सिर्फ रात के वक्त नज़र आती है, जब मैं अकेली होती हूँ ऐसा लगता है मानो वो कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं अंकल, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। मैंने सोने की कोशिश की और कुछ देर मुझे नींद आई भी, और उस वक्त मैंने उसे सपने में देखा, तब ये जगह बिल्कुल बदली हुई नज़र आई। मैंने इसी जगह को देखा, जैसे ये बहुत नई हो और साफ़ सुथरी जैसी आज है वैसी तो बिल्कुल नहीं, और यहाँ कई लोग थे, कई बच्चे, अलग अलग उम्र के, अलग अलग दर्जे के लड़के लड़कियाँ। पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस जगह के अतीत को देख रही हूँ। ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं है डोलोरेस, बहुत मुमकिन है कि तुमने वो सच में देखा हो, क्योंकि मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तब से अजीब चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, पर किसी से कह नहीं पाता क्योंकि लगता है कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करेगा। जानते हैं अंकल, मुझे इस जगह के बारे में एक चीज़ मिली है, ये डायरी, इसे देखिए। किसकी है ये डायरी? पता नहीं, इस पर एक नाम तो है, और मुझे लगता है कि ये इस ऑर्फिनेज के किसी बच्चे में से एक की थी।
उसने इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, पर शायद वो यहाँ से भाग गया या फिर जो कुछ भी हुआ उसने ये डायरी लिखनी छोड़ दी। कुछ पन्नों के बाद ये खाली है। उसने यहाँ किसी अजीब चीज़ को देखने का जिक्र किया था। काश कि हम उसका पता लगा पाते अंकल, काश कि हम लगा पाते। हाँ, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक बात है। क्या? उसने अपना नाम लिखा है इस डायरी की शुरुआत में, और उसका सपना था कि वो एक राइटर बनना चाहता था। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम उसे उसके नाम से ढूंढने वाली हो? हाँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अंकल। हाँ, वैसे भी इस प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी के बहुत पैसे लगे हुए हैं, और तुम्हारे डैड ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। और तुम तो देख ही रही हो यहाँ क्या चल रहा है। आई नो अंकल, डैड आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर फिलहाल ये सब कुछ ठीक हो जाए तो बेहतर है। मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद डेलोरेस ने इंटरनेट पर उस नाम के बारे में सर्च करना शुरू किया। वो काफ़ी देर तक इसे ढूंढती रही, और उसके बाद उसे आखिरकार इस नाम का एक राइटर मिल गया, जिसकी बर्थ डेट और उम्र कुछ हद तक इस डायरी वाले लड़के से मिलती थी। डेलोरेस ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सब ने पूरा दिन निकल गया। डेलोरेस उसे पूरे दिन कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। पर फिर शाम के वक्त उसके सारे मैसेजेस और कॉल्स का एक जवाब आया। हेलो, आई एम डेलोरेस, और मैं यहाँ मिस्टर और मिसेस मैक्सिमस के ऑर्फनेज से बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता इसका असली नाम क्या है, पर इसके ओनर मिस्टर और मिसेस मैक्सिमस ही थे, इतना जानती हूँ मैं। तो क्या आप कभी यहाँ रहे हैं या इस जगह के बारे में जानते हैं? कुछ देर के सन्नाटे के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, मैं उस बारे में जानता और रहा हूँ वहाँ। ओह माय गॉड, सच में? तो क्या आप यहाँ आ सकते हैं? हमें बहुत ज़रूरत है आपकी, प्लीज़। अगर आने जाने में आपको कोई तकलीफ होगी, हम उसका खर्च देने को तैयार हैं, पर आप यहाँ आ जाएं तो हमें आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, सुबह तक आ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। इसके बाद डेलोरेस कुछ ज़रूरी कामों में लग गई। उसने वहाँ का एक पुराना कमरा खाली करवाया और उसे अच्छे से साफ करवाया। मेहमान के ठहरने की व्यवस्था भी करनी थी उसे, और उसके बाद वो अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। रात के वक्त वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए गई। आज वो डायरी नहीं थी उसके पास पढ़ने के लिए, इसमें जो कुछ भी था डेलोरेस पढ़ चुकी थी, इसलिए लेटने के बाद भी कुछ देर तक उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सारी रोशनी बुझी हुई थी, और वैसे भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। घर के अधिकतर हिस्से में वो कैंडल्स जलाया करते थे, क्योंकि यहाँ के कुछ कमरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। डेलोरेस भी अपने कमरे में एक लैंप ही जलाया करती थी रात के वक्त, और वही लैंप अभी भी जल रहा था। पर फिर पता नहीं कैसे अचानक ही कुछ देर बाद वो लैंप बुझ गया। ऐसा लगा मानो कोई हवा का झोंका लगा हो उस पर खिड़कियाँ हर तरफ से बंद थी। डेलोरेस उठी, उसने चारों तरफ देखा। कुछ देर बाद अंधेरे से उसे एक चेहरा उभरता हुआ नजर आया। ये चेहरा उस छोटी सी बच्ची का ही था जिसके बारे में अब कुछ कुछ डेलोरेस जानने लगी थी। इसका नाम लूबी था। हे लूबी, मेरे पास आओ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। लूबी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। डेलोरेस भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आई, और जब उसने बाहर देखा तो देखा हर तरफ की सारी रोशनी बुझी हुई थी, अंधेरा था। डेलोरेस फौरन अपने कमरे में वापस आई, उसने वो लैंप चलाया जो वो अपने कमरे में रखती थी, और अब वो धीरे धीरे उस लड़की का पीछा कर रही थी।
धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार वो उस गलियारे तक पहुँचे जहाँ अक्सर जाने के बाद वो लड़की गायब हो जाया करती थी और डोलोरेस अक्सर वहीं जाकर रुक जाया करती थी। पर आज डोलोरेस रुकी नहीं और ना ही वो लड़की गायब हुई। डोलोरेस उस लड़की के पीछे पीछे आगे बढ़ती रही और वो लड़की धीरे धीरे और आगे बढ़ती रही। इमारत के इस हिस्से की हालत बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ज़्यादा जर्जर थी। हर तरफ की लकड़ियाँ टूट रही थी, दीवारें जल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि आग लगने की शुरुआत इस घर में यहीं से हुई होगी, क्योंकि यहाँ जलने के कुछ ज़्यादा ही निशान नजर आ रहे थे। डोलोरेस ने चलते समय नीचे गौर किया। आगे जाने का रास्ता खराब था, फर्श पूरी तरह जल चुकी थी और उसका कमरा एक मंजिल ऊपर था। अगर वो आगे जाने की कोशिश करती तो शायद खुद को चोट पहुंचा सकती थी। वो लड़की धीरे धीरे उस जले हुए हिस्से के उस पार चली गई और डोलोरेस की तरफ मुड़कर देखने लगी। डोलोरेस घबरा रही थी, पर आज वो इस राज का पर्दाफाश कर देना चाहती थी, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हुए उस छोटी लड़की लूबी के पास पहुंची। उसे उस जले हुए हिस्से पर जलते हुए बहुत डर महसूस हो रहा था, पर वो आखिरकार किसी तरह उसके पार निकल आई थी। वो लड़की कुछ और आगे बढ़ी और एक कमरे के सामने जाकर रुक गई। कुछ देर बाद एक औरत उस कमरे से बाहर आई, वही औरत जिसे कल रात डोलोरेस ने अपने सपने में देखा था। शायद ये मिसेस मैक्सिमस थी। वो बाहर आई, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लूबी काफ़ी घबराई हुई दिख रही थी। मिस मैक्सिमस ने उसे कमरे के अंदर जोर से खींचा और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। उसे देखकर डोलोरेस थोड़ी घबरा गई और उसने चीखने चिल्लाने और उसे बचाने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दरवाज़ा नहीं खुला। डोलोरेस घबरा गई, उसके हाथ में लिया हुआ वो लैंप अचानक ही बुझ गया था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा वो कई सारे बच्चों के बीच खड़ी थी जो उसे देख रहे थे, पर उनका देखना उसे डरा नहीं रहा था, उनकी आंखों में उम्मीद थी। डोलोरेस उन सबको देख रही थी, पर वो अचानक ही सच्चाई को महसूस करके घबराने लगी और चीख मार कर बेहोश हो गई। और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, हेलो, तो डोलोरेस आप ही हैं? हाँ, पर आपको पहले नहीं देखा। वेल, मुझे आपका कॉल आया था कल। ओह माय गॉड, आप वही हैं? आई एम सो सॉरी, मैं कल बस एक हादसा हो गया और उसकी वजह से आई अंडरस्टैंड। ये जगह इतनी नॉर्मल भी नहीं है और ख़ासकर तो अब तो बिल्कुल नहीं लगती। जब मैं यहाँ आया था तब भी नहीं थी। पर ताज्जुब की बात है, आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? मुझे पता चला आपकी उस डायरी से। हमें आपका वो सीक्रेट कमरा मिला और वहाँ आपकी वो डायरी मिली और मैंने वो पूरी डायरी पढ़ी। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, पर आगे क्या हुआ समझ नहीं आया। आपके चले जाने के बाद क्या हुआ यहाँ कुछ समझ नहीं आया। कुछ बातें मेरे लिए भी आज भी रहस्य ही हैं। मैं यहाँ से बाहर गया और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। मेरे पास कोई सामान नहीं था, मैं पैदल ही जा रहा था। काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं थक कर एक जगह सो गया। ये ऑर्फनेज एक तरह की घाटी में बना हुआ है। मैं जिस इलाके पे था वो इस ऑर्फनेज से ज़्यादा ऊंचाई पर था। मैं सोता रहा और अगले दिन दोपहर में मेरी नींद खुली और मैंने फिर से चलना शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे शाम बीत गई। मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था और ना ही कोई सामान था मेरे पास खाने पीने का। जंगल में एक नदी बह रही थी, वहीं से पानी पीकर मैंने काम चलाया था और इसलिए आगे बढ़ने में और ज़्यादा परेशानी हो रही थी और इसलिए शाम होते होते मैं काफ़ी थक गया था। मैंने उसी रास्ते पर बैठ कर सुस्ताने का फैसला लिया। मैं वहाँ बैठा और जब बैठा तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वहाँ बैठा और रात के तकरीबन 11 बजे मैंने जंगल में एक अजीब सी हलचल देखी, किसी को भागते हुए देखा, एक अजीब गुर्राहट सुनी।
वो चीज़ भागते हुए, मुझे पूरा यकीन है वो चीज़ भागते हुए ऑर्फनेज तक पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया मैं नहीं जानता, पर 2 घंटे बाद तकरीबन मैंने आसमान को देखकर अंदाज़ा लगाया था, शायद रात के 1 या 2 बज रहे थे। मैंने ऑर्फनेज में एक ज़ोरदार धमाका सुना, क्योंकि उसे आग की लपटें उठती हुई देखी, चीखना चिल्लाना सुना। मैं बहुत दूर था वहाँ से, फिर भी उनका चीखना सुन सकता था। वो रात बहुत खामोश थी और भयानक। मेरे सभी साथी यहाँ जिंदा जलकर मारे गए। हम सभी 140 थे और हम में से सिर्फ 137 की लाश यहाँ मिली। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, और बाकी दो, रॉब और लूबी, लूबी के साथ क्या हुआ मैं आज भी नहीं जानता, और रॉब के साथ क्या हुआ उसका शायद थोड़ा अंदाज़ा है मुझे। क्या हुआ था रॉब के साथ, अगर आप मुझे बता सके तो शायद मैं आपको बता सकूं कि लूबी के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।